कैथोलिक धर्म प्रांत के ईसाई विश्वासियों द्वारा रविवार की शाम यीशु राजा ख्रिस्त पर्व मनाया गया, जिसमें गोरखपुर बस्ती मंडल के धर्म प्रांत के विश्वासी एवं विशप थॉमस थूरी थम्बटम CST के नेतृत्व में प्रभु यीशु ख्रिस्त याग का कार्मल कॉलेज प्रांगण में विशिष्ट रूप से पूजन चढ़ाया गया। इस महापूजा में त्रिएक परमेश्वर के सनातन वचन रूपी प्रभु यीशु को समस्त जीवन सृष्टि के राजा मानकर स्तुति किया गया। इस विशेष याग में पवित्र पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के शरीर और रक्त रूपी संस्कार में पवित्र रोटी और दाख रस की उपासना की गई। फादर बिन्नी सहित सभी फादर ने एक एक कर पवित्र शास्त्र बाइबल के पाठ को पढ़ा, ईश्वरीय वाणी पर प्रवचन दिया। देर शाम गोरखपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष महामहिम विशप थॉमस थिरु थिम टट्टम द्वारा मोमबत्ती जलाकर विश्वासी गणों द्वारा विश्व शांति एवं प्रगति हेतु परम प्रसाद जुलूस निकाला गया। जुलूस कार्मल प्रांगण से शुरू होकर पुलिस लाइन तिराहा होते हुए सेंट जोसेफ कैथेड्रल स्कूल पहुंचा। यहां पर परम प्रसाद की आराधना स्तुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पूजन विधि की तैयारी में कार्मल सिस्टर्स का योगदान महत्वपूर्ण रहा। कार्यक्रम का संचालन का नेतृत्व फादर बिन्नी, धर्म प्रांत के चांसलर फादर अब्राहम, फादर संतोष, फादर जस्टिन, फादर जेरोम, फादर रोजर के साथ विविध पल्ली काउंसिल के सदस्य एवं युवा संगम के सदस्य सेंट जोसेफ पुरोहिताई गुरुकुल के पुरोहितार्थी का सहयोग रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पल्ली पुरोहित एवं मुख्य संचालक फादर बिन्नी ने कहा, तुझ में मेल मिलाप करती है, हमारी दिल प्रार्थना है तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वो युगानुग जीते तथा राज्य करते हैं। आमीन।
प्रणाम प्रिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फलेषु। फादर बेन्नी, पल्ली पुरोहित, सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल, गोरखपुर। आज सारी कलीसिया यानी कि क्रिस्तीय विश्वासी सारे विश्व में क्रिस्त राजा के पर्व मनाते हैं, और इस पर्व का मतलब यह है कि हम सब क्रिस्तीय विश्वासी या ईसा मसीह के शिष्य उनको अपने राजा मानते हैं, और राजा मानने का मतलब यह है कि वह हम सबों के लिए क्रूस पर मरकर हम सबों के लिए अपना रक्त बहाकर इस दुनिया के सामने एक अच्छा उदाहरण नमूना प्रदान किए। कहने का मतलब यह है कि अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए अपने जीवन त्यागने से ज़्यादा कोई प्यार नहीं है, और इस प्यार को प्रभु यीशु ने अपने क्रूस मरण से दुनिया के सामने साबित किया है। इसीलिए हम सब प्रभु यीशु को अपना राजा मानते हैं, और उनके उस प्यार को अपने जीवन में उतार कर दुनिया के सामने एक उदाहरण बनना चाहते हैं। यही इस पर्व का मतलब है। इसी पर्व को आज सारे विश्व में मनाया जा रहा है।